हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारा चैप्टर 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री में चैप्टर 12 एल्कोहल फिनोल और एथर चल रहा था और हम कल पढ़े थे उसकी विरचन की विधियाँ। आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ROH, यानी केमिकल रिएक्शन किसकी, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया में भी हम पहला पढ़ेंगे जब बंध किसके बीच में टूटता है, ओ व एच के बीच में, यानी बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ओ एंड एच, यानी कि ओ और एच के बीच में कैसे बंध टूटता है। जैसे आपके पास ये है आर ओ एच, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं। जब बंध कहाँ से टूटता है आपका, यहाँ से ओ और एच के बीच में आपका बंध टूटता है, तो इसको अपन बोलते हैं जब बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन ओ एंड एच। अब इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि अल्कोहल जो है उसका एसिडिक बिहेवियर क्या है, यानी एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का अम्लीय व्यवहार। अल्कोहल अम्लीय व्यवहार कैसे करता है, जैसे आपके पास कोई एसिड है प्लस अगर मैं कोई एक्टिव मेटल लेता हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन आपके पास निकलेगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जब आप एसिड और एक्टिव मेटल लेते हैं तो आपके पास क्या निकलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। जैसे मैंने लिया एसिड CH3OH प्लस एक्टिव मेटल ले लेंगे अपन Na, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से देखो बॉन्ड कहाँ से टूटना है, NaH बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, CH3ONa, ठीक है, CH3ONa, और यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, CH3ONa और H2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ले लेंगे अपन टू मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे भी अपन ले लेंगे टू और आपका बन जाएगा यहाँ पे CH3ONa, तो ये बन गया आपका सोडियम मिथॉक्साइड, ये तो हो गया आपका क्या, सॉल्ट, और ये निकल गई आपकी हाइड्रोजन गैस यानी H2। तो जब भी आप एसिड और कोई भी एक्टिव मेटल लेंगे तो आपका क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एक रिएक्शन अपन ने और पढ़ी है इसकी, जो कि है आपकी जब अपन एसिड यानी अम्ल और क्षार, आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी कि एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, में कहते हैं इसको, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। अब देखो एसिड को एसिड ले लेंगे अपन CH3OH प्लस बेस ले लेंगे अपन NaOH, तो देखो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये H2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, CH3ONa प्लस OH, यहाँ से H यहाँ से निकलेगा तो ये बन जाएगा आपका H2। यानी जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये हो यही आपका हो गया CH3ONa यानी सोडियम एथोक्साइड। तो ये देख, ये है अपना एसिडिक बिहेवियर ऑफ अल्कोहल। अब अपनी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब अपन क्या लेते हैं, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, और किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है आपका, कंसनट्रेट H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आपका क्या बनता है, एस्टर प्लस वाटर, एस्टर प्लस वाटर। अल्कोहल आप ले लेंगे CH3OH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C OH और OH। ये देखो अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, O और H के बीच में बॉन्ड टूटेगा यानी OH, यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका H2O, क्या निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा,
ये हो जाएगी कंसनट्रेट एस टू एस ओ फोर, तो आपका क्या हो जाएगा सी एस थ्री एस्टर बनेगा, तो सी एस थ्री ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी एस थ्री ओ सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर यानी ओ सी एस थ्री प्लस और क्या निकल जाएगा आपका एस टू ओ, यानी आप जब मैथेनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन कराया तो आपके पास क्या बन गया, इसका नाम क्या होता है मैथिल मैथॉक्साइड, क्या हो जाएगा मैथिल मैथॉक्साइड प्लस ये एस्टर हो गया प्लस ये आपका निकल गया वाटर। अब इस रिएक्शन की अपन देखते हैं मैकेनिज्म कैसी होती है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी होती है, मैकेनिज्म एस्टरीकरण रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, सबसे पहले आपके पास क्या होता है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसके इस ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर होते हैं दो, कितने लोन पेयर होते हैं दो, जो कि बंद के इलेक्ट्रॉन के लिए बंद के इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है दो लोन पेयर है तो ये किसके साथ में अब देखो अभिक्रिया करेगा, अपन के पास अपने पास जैसे रिएक्शन में क्या होता है कंसनट्रेट एस टू एस ओ फोर जो कि आपको बताया कि वो एक अम्ल है, तो अम्ल क्या देते हैं अपने H प्लस, अम्ल क्या देते हैं H प्लस, तो देखो ये क्या होगा ये H प्लस सबसे पहले यहाँ पे आएगा ये H प्लस यहाँ आएगा तो क्या होगा आपका सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ अब एक लॉन पेयर और इस पे क्या आ जाएगा आपका प्लस, इस पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा आपका H और ये है आपका ऑक्सीजन, इस पे है आपके पास दो लोन पेयर, इस पे आ जाएगा आपका O प्लस क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड कितने बन गए एक दो तीन ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड बन गए इसलिए यहाँ पे आपका पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस। अब क्या होगा अब जो होगा आपके पास क्या था एल्कोहल, अब क्या अब किस अब किसकी बारी आएगी एल्कोहल, यानी अपन के पास सी एस थ्री ओ एस था, इस ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन है ये वाला बॉन्ड यहाँ से कहाँ पे जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो इसको यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हट जाएगा तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी रिएक्शन, आगे रिएक्शन होगी सी एस थ्री सी, अब देखो ये ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे भी आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी एस थ्री और यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे हो जाएगा H और ये इसके दोनों यहाँ पे इसके लोन पेयर आ जाएंगे और ये हो गया आपका O और H O और H। अब इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए एक दो तीन तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा प्लस, ये ऑक्सीजन किस में होगा प्लस में, ये ऑक्सीजन किस में होगा प्लस में और इसका एक लोन पेयर, ये ऑक्सीजन हो जाएगा आपका प्लस में और इसका एक लोन पेयर आ जाएगा। अब देखेंगे अपन देखो ये जो आपका प्रोटॉन है अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंटर मॉलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, अंतः अणुक प्रोटॉन स्थानांतरण। अब क्या होगा ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन ये कहाँ पे जाएगा ये यहाँ पे जाएगा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो क्या होगा सी एस थ्री सी ओ एच ये हो जाएगा आपका ओ। अब देखो ये वाला प्लस था तो यहाँ से प्लस हट जाएगा क्योंकि अब इसके बॉन्ड अब इसने इसके कितने बंद हो गए केवल दो तो जाएगा ओ सी एस थ्री और इसके पास ये लॉन पेयर और यहाँ क्या हो जाएगा ऑक्सीजन एक लॉन पेयर यहाँ पे H
और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा H। अब इसके कितने बॉन्ड हो गए, एक दो तीन, इस वाले ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड हो गए, तो यह आ जाएगा आपका प्लस, यह आ जाएगा प्लस क्योंकि इंटरमॉलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज में H यहाँ पे चले जाएगा। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रल करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, तो ये किसके रूप में बाहर निकल जाएगा अपना H2O, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H2O बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3 COH, और यह आ जाएगा आपका OCH3, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, क्या जाएगा डबल बॉन्ड, और H2 आपका बाहर निकल गया। इसके बाद में ये होगा CH3 C, इसको अपन ऊपर की तरफ लिख देते हैं C सिंगल बॉन्ड OCH3, इसके पास अपने लोन पेयर है, इसने ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा H, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस इस ऑक्सीजन पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए, एक दो तीन। अब ये वाला H क्या जाएगा, जो वापस, अब ये एच जो है वापस की तरफ, ये अपने बॉन्ड ये वाला बंद यहाँ पे चले जाएगा, तो ये वापस जो एच था ना, एच प्लस आया, तो वो वापस अपना बाहर चला जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, ये माइनस का एच प्लस, आपके पास क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यह ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो आपके पास आ जाएगा CH3 प्लस, और ये क्या निकल गया आपका एच प्लस, जो वापस एच प्लस आया था वो वापस चला जाएगा। तो इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, अपन लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड, जब इस पर अपन कोई भी प्रोटोन यानी एच प्लस यानी अम्ल की रिएक्शन कराएंगे, तो ये अम्ल का आ जाएगा एच प्लस, इस लोन पेयर पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एच। अब देखो यहाँ पे प्लस कब लाता है, जब इसकी ऑक्सीजन के बॉन्ड क्या होते, ऑक्सीजन के बंद जहाँ पे आपको तीन देखे, तो यहाँ पे आपको लगाना है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और एक लोन पेयर और हाइड्रोजन, और यह आ जाएगा आपका OH। अब क्या होगा CH3OH आएगा, CH3OH में ये वाला OH, ये वाला O वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे जाएगा कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये तो सीधा हो जाएगा COH, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन था ही, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि ये अपने बंद के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ ये न्यूट्रल हो जाएगा ऑक्सीजन, तो फिर ये यहाँ पे इसके कितने बंद हो गए, एक दो तीन, तो ये हो जाएगा प्लस में और ऑक्सीजन के साथ H और CH3। अब क्या होगा इंटरमॉलिकुलर प्रोटोन एक्सचेंज यानी अंत्यणु प्रोटोन स्थानांतरण होगा, यानी जो हाइड्रोजन है वो इधर की तरफ चला जाएगा, इस पे इस वाले पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के तीन बंद बन गए, एक दो तीन, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा फिर से। अब ये बंद के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, फिर ये आपस न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा H2। अब ये ऑक्सीजन में इसके पास लोन पेयर है, तो क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा आपका OCH3 था ही, और ऑक्सीजन प्लस, अभी देखो दोबारा से इसकी तीन संयोजकता हो गई, तो ये आ गया आपका प्लस, फिर ये वापस जो H आपका लिया था वो वापस आपका बाहर निकल जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा एस्टर, और H प्लस भी वापस बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपके एस्टरीकरण की रिएक्शंस। आज अपन इस चैप्टर को यहीं तक आज का सेशन अपन यहीं तक ही रोकते हैं, कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन इसकी केमिकल रिएक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।